ये फिल्म जो है इसका नाम है ए फॉर अंतरा, एंड मैं अंतरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। कहानी उसके बारे में है कि कैसे वो एक डिलेमा और कैसे एक एक्सीडेंट के बाद पोस्ट एक्सीडेंट वो ट्रॉमा से गुजर रही है, एंड हाउ शी ओवरकम्स हर फियर ऑफ डीलिंग विद दैट फियर। सो उसके बारे में है ये कहानी, एंड सो आई एम प्लेइंग अंतरा इन दिस स्टोरी। आपकी आपके कैरेक्टर को हमेशा ही लोगों ने देखा है, आपके प्ले को देखा है, जिस तरह से जो आप अपने किरदार को निभाती है, क्या इससे क्या डिफरेंट होगा? और इस कैरेक्टर के लिए आप कितनी हैप्पी थी जब आपके सामने इस कैरेक्टर के लिए आपको जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने लाई गई? इट्स ऑलवेज़ अ चैलेंज। हर बार एक नई स्क्रिप्ट आती है, हर बार एक नया चैलेंज होता है। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें क्योंकि दो अलग अलग माइंड फ्रेम्स को दिखाया जा रहा है, बिफोर एक्सीडेंट पोस्ट एक्सीडेंट, इट्स अबाउट दैट। सो एक चैलेंज है, एक्साइटमेंट है उस बारे में कि उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं कि दो अलग अलग शेड्स दिखाई दें एक ही इंसान के, तो उसके बारे में है। एंड डेफिनेटली मज़ा आ रहा है, एंड आई होप कि आई कैन डू जस्टिस टू इट, एंड या वर्क विद एवरीवन। कोरोना महामारी के बाद फिर से जिस तरह से शुरुआत हो गई है थोड़ी थोड़ी शूटिंग की, कोविड के समय में किस तरह से कितना मिस किया आपने अपने शूट्स को, अपने इस सीरियल शो हो या मूवीज़ हो? डेफिनेटली मिस किया, बिकॉज आपको अचानक से सब कुछ बंद हो जाता है, तो आपको लगता है क्या हुआ, यू नो, आप इतने यूज टू होते हैं शूटिंग्स पे जाना, लोगों से मिलना, आपका काम चल रहा है, रीडिंग्स हो रही हैं, सडनली आई थिंक इज इट द सब हम सबके ऊपर ही आई, सारी फील्ड्स में आई। बट आई थिंक खुशी की बात यह है कि हम सब फिर से उस एनर्जी से वापस आ रहे हैं, एंड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब जुड़ के वापस से उतना ही अच्छा काम करें जो पहले हो रहा था। डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिल्म वेब में रिलीज होगी, तो आप कैसे देखते हैं वेब? डिजिटल डेफिनेटली आज के टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर एक आदमी के पास फ़ोन है, हर एक आदमी के पास वो पावर है टू गो टू एनी OTT प्लेटफॉर्म, गो टू एनी वेब पेज एंड सी वॉट एवर जो उनको देखना है। तो वो जैसे ही अपना फ़ोन खोलते हैं उनके पास 10 ऑप्शंस हैं, तो आज तो हमारे ऊपर आई थिंक और ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज अगर किसी को नहीं अच्छा लगा 2 मिनट में तो वो बदल भी सकते हैं। सो वो एक अलग प्रेशर है कि आपको होल्ड करना है आज ऑडियंस को विथ योर कंटेंट, तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज जो वेब फिल्म की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शूटिंग क्या शुरुआत की गई है, किस कैरेक्टर को आप प्ले कर रही हैं इस वेब फिल्म में? एक तो ये शॉर्ट फिल्म है, और मैं मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, फॉर द कैरेक्टर ऑफ विच मनु कृति इज प्लेइंग। तो आई एम प्लेइंग द मदर हु इज़ अ सिंगल मदर, विडो, एंड दो बच्चे हैं उसके, मनु कृति और सक्षम, एक्टर्स के नाम है। तो या आई एम प्लेइंग द मदर। ये वेब फिल्म की हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या है कैरेक्टर और पूरी तरह से क्या है स्टोरी, थोड़ा सा कुछ अगर आप? स्टोरी आई एम नॉट श्योर इफ आई एम, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वी हैव टू कम आउट विद द स्टोरी, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड बहुत सारी लेयर्स और डेप्थ हैं इसमें। सो विद ईच, लाइक उसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, तो उन सबकी अपनी अपनी डेप्थ, अपनी अपनी लेयर, अपनी अपनी हिस्ट्री। तो देट जैसे प्याज के छिलके होते हैं, निकालते जाओ, एक परत के बाद एक परत कैरेक्टराइजेशन में आप घुसते और पता चलता, उसी तरह से ये है। और बिल्कुल डार्क नहीं है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ लेयर्स इज द ओनली वर्ड आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, इट हैज़ इन इट। ये फिल्म है डिजिटल में रिलीज होगी, तो आपको कितना, आप कैसे देखते हैं डिजिटल? वेरी गुड आई वुड से अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स। आई थिंक कोविड होने के बाद से थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड, और मतलब जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री का और हमारे इसका प्रोफेशन का सवाल है, कोविड हैज़ बीन रियली अ गेम चेंजर। सडनली OTT हैज़ कम अप, एंड एक्टर्स के लिए और भी रास्ते और भी प्लेटफॉर्म्स खुल गए जिनमें वो काम कर सकते, नहीं तो पहले इसके पहले इट वॉज़ आइदर TV और फिल्म्स, इसके अलावा और कुछ था नहीं। तो अब इतने सारे आपके पास एवेन्यूज़ हैं और चांसेस हैं, तो आई थिंक इट्स बीन अ, आई फाइंड इट वेरी ग्रेट, एंड एज अ पर्सनल दिस थिंग इन माय ओपिनियन एज एन एक्टर, मीडियम रियली डजेंट मैटर, आइदर यू डूइंग TV और फिल्म्स और OTT कंटेंट, एज लॉन्ग एज द स्क्रिप्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द कैरेक्टराइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, मीडियम रियली डजेंट बॉदर मी, बिकॉज ऑडियंस आपको
मिल जाएगी और आपका काम अप्रिशिएट भी होगा इफ इट्स डन वेल. कोविड भी है तो कोविड के दौरान कितना ध्यान दिया जा रहा है शूट के दौरान? बिल्कुल, जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं हम कर रहे हैं. सिर्फ एक्टर्स व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वी आर विदाउट द मास्क जस्ट लाइक नाउ, अदरवाइज वी आर इन अ मास्क, वी आर सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स एंड जितना हम कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वो सब हम कोशिश करें. एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस अगर नॉट डबल तो सिंगल वैक्सीनेशन तो सबकी हो ही गई है एंड ऑल, मतलब वी हैव टू टेक दैट चांस. घर में बैठे के लिए आप लोगों को क्या अपील होगी, क्या कहना चाहेंगी? क्या सभी बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द ओनली वे वी कैन फाइट द पैंडमिक राइट नाउ. वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता है, लेकिन कोविड होगा तो बहुत माइल्ड होगा, एटलीस्ट आप हॉस्पिटल में एंड अप नहीं करेंगे और कई बार तो ऐसे ठीक भी हो जाता है पता भी नहीं चलता. एंड ऑल्सो अनदर द रिसर्च दैट शोज इज दैट इफ़ यू आर डबली वैक्सीनेटेड देन बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि इवन इफ यू आर अ कोविड पॉजिटिव पर्सन यू विल नॉट ट्रांसमिट टू अदर्स. तो दैट इज़ अ या सो दैट प्लस फॉर अस एक्टर्स इट्स अ गुड बून बिकॉज जब हमको ट्रैवल करना होता है बायर तो हम वो RT-PCR के चक्करों से बच जाते हैं बिकॉज वी आर doubly vaccinated and it's very very this is the only way ki hum jaldi se jaldi apne normal post pre covid era mein pahunch sakte hain, otherwise to fir director producer ke bare mein kya kehna chahenge unka, kis tarah se aur set pe kis tarah ka mahol hai ek lambe waqt ke baad jis tarah se aaj shoot kar rahe hain aap ek fir? Like shoot to humne matlab iske liye ab kar rahe hain lekin shoot pe to almost sab actors ja hi chuke hain. It's a very very good team, very young dynamic टीम. अंजुमन जो डायरेक्टर है उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बट वॉट आई एम सीइंग व्हेन आई लुक एट हिम व्हाइल वर्किंग ही हैज़ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ इन हिज थॉट्स. तो मज़ा आ रहा है, इट्स अ नाइस स्मॉल यूनिट एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन. या थैंक यू. जिस तरह से पहले फिल्म और टीवी शो होता था लेकिन आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म हो, शॉर्ट्स फिल्म हो, जिस तरह से वेब फिल्म अभी आप शूट कर रहे हैं, इसमें क्या कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं और किस तरह से ये वेब फिल्म लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आएगी? मैं इसमें भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, मनुकृति उसे निभा रही हैं और मैं उसका भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. और मैसेज मुझे लगता है ये फिल्म शायद मैंने जैसा इसको इंटरप्रेट किया है कि क्या होता है ना, हम प्रॉब्लम्स खुद ही बनाते हैं अपनी और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हमारे पास ही होता है. तो बजाय बाहर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देखने के, अगर हम खुद ही के अंदर झांके तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी. तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे आधारित है अगर मैं थोड़ा बहुत हिंट दे पाऊँ तो, क्योंकि मैं स्टोरी तो नहीं बता पाऊँगा, बट ये है कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या खुद के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, तभी हम चीज़ों से या परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं ऐसा लगता है. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किस तरह का सपोर्ट है, किस तरह से माहौल है अभी सेट पे? क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है कि एक लंबी ब्रेक के बाद ही शूट्स अभी स्टार्ट हुए हैं, तो कितना इन्जॉय कर पा रहे हैं शूटिंग के दौरान यहाँ पर? ये है कि अंशुमन जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर एक्टर रिलेशनशिप. इससे पहले मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी जो कुछ एपिसोड्स उन्होंने उसके लिखे थे और उसी के दौरान, मतलब उसी के थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि हम साथ में करते हैं. और टीम बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है, सारे के सारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का ध्यान रखा जा रहा है. और यही मैं बोलूँगा कि ये इस काम से तो प्यार है, इस काम से प्रेम है, इसलिए हमेशा इन्जॉयमेंट होती है, हमेशा मज़ा आता है, यही बात है. तो जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट में किन बातों का ध्यान देकर आप उसके लिए हामी भरते हैं? प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप जो इंसान आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है आपका उसके साथ कैसा रिश्ता है. अगर आप उसे नहीं भी जानते हैं तो फिर स्क्रिप्ट कैसी है उसको पढ़ते हैं और बहुत सारी तमाम चीज़ों के बारे में ख्याल रखा जाता है उस टाइम. वो बहुत सब्जेक्टिव है, एक जनरल चीज़ नहीं है. अंशुमन जी, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट काफ़ी फिल्में दर्शकों को दी है जो लोगों को पसंद आया है आपके डायरेक्शन में, एक बार फिर ए फॉर अंतरा जिस तरह से आज शूट किया जा रहा है वेब फिल्म, किस तरह के फिल्म और दर्शकों के लिए कितना ध्यान देकर इस वेब फिल्म को बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये वुमन जो है प्रोटैगनिस्ट की कहानी है, एक औरत की कहानी है और वुमन एम्पावरमेंट को ध्यान में रख करके हमने ये कहानी लिखी है कि जिस तरीके की आज की तारीख में एवरीडे हम न्यूज़ में सुनते हैं, इवन बॉम्बे में या कहीं पे भी कंट्री के किसी भी पार्ट में औरतों के साथ कोई भी क्राइम इंसिडेंट हो जा रहा है,
तो हमने कहीं ना कहीं वुमन एम्पावरमेंट को ध्यान में रख के कहानी लिखी गई है और बड़े नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में इसकी शूटिंग भी हो रही है और उसी तरीके से हमारे जो है किरदार को निभाने वाले एक्ट्रेस भी हमें मिल गए हैं, जिसमें मनुकृति जो है पाहवा वो थिएटर से ही हैं और ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुकी हैं। उनकी जो मदर का रोल प्ले कर रही हैं नीरू जी, वो ऑलरेडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हैं। सक्षम शुक्ला जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अभिनेता हैं, ट्रेंड एक्टर हैं और बहुत अच्छी अच्छी सीरीज कर चुके हैं। और अर्फी लांबा हैं, ऑलरेडी अर्फी लांबा का काफ़ी नाम है इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आज की तारीख में जो हमारी समस्याएं हमारे समाज में हैं और मूलतः जो औरतों के अगेंस्ट हैं, को उनकी जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रख करके कहानी लिखी बुनी गई है और कोशिश है कि उसी तरीके से सुंदर तरीके से बन के निकले और एंटरटेन करें और एक जागरूकता भी कहीं ना कहीं ये रखे। सिर्फ मतलब दोनों मिक्स हो, दोनों का मिक्स होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बोल के चली जाए कि वुमन एम्पावरमेंट की बात इससे निकल के आनी चाहिए। इसलिए वुमन सेंट्रिक कहानी है, हमारी प्रोटेगनिस्ट जो है हमारी जो है एक तरीके से टिपिकल सेंस में कहें तो हीरोइन, बट एक प्रोटेगनिस्ट जो है हमारी इसमें महिला है और बाकी सारे सेकेंडरी कास्ट हैं उसके। जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइन के तहत ही शूट्स एंड ऑल करने की परमिशन दी गई है, तो इस दौरान लोकेशन को किस तरह से आपने चयन किया है या आपकी जो वेब फिल्म है उससे कितनी मैच हो पाया है, जो आपको एक लोकेशन चाहिए क्या उस सब चीज़ों पर आप शूट? पूरी तरीके से हमारे प्रोड्यूसर्स ने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोकेशन को सैनिटाइज कर रखा है और हम लोग जो है मास्क लगा रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर से लेकर के सारे जो है टेक्निकल चीज़ों का ध्यान में रखा जा रहा है। तो पूरी कोशिश है कि, और हम लोग खुद डबली वैक्सीनेटेड हैं, तो सारी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना फैले और प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। कोविड अभी ख़त्म हुआ है और कोविड के ख़त्म होता थोड़ा कंट्रोल में है, उसके बाद जो शुरुआत हुई है आप एक वेब फिल्म की शुरुआत किए हैं, ये फिल्म वेब फिल्म क्या होगी, क्या लोगों को मैसेज देगी या फिर एक एंटरटेनमेंट होगा? ये एक तरीके का मैसेज भी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, पूरी थ्रिलर है, एक लड़की के ऊपर कहानी है, आप कह सकते हो वुमन ओरिएंटेड कहानी है। और इसके अलावा भी हम कोविड के बाद से करीब 15-20 शॉर्ट फिल्म हमने और बनाई हैं जो एक एक करके प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, जैसे MX Player पे हमारी कई सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वेब फिल्म्स हैं, Amazon पे है। तो इसको भी ट्राई करते हैं कि अच्छा बना के हम कहीं पे लेके आएं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो राहुल जी, इस स्टोरी में, इस कहानी में ऐसी क्या खास बात लगी कि आपको लगा कि आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, स्टोरी अपने आप में बोलती है, क्योंकि एक हम लोग अक्सर बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, तो ये अपने आप में वो लड़की के दो चेहरे हैं, लड़ रही है, अपने आप से लड़ रही है, अपने परिवार से लड़ रही है। तो ये स्टोरी है, कुछ अलग है मतलब, और पूरा थ्रिल है इसमें, है ना। और कहीं ना कहीं आपको कोविड जैसी त्रासदी, है ना, कोविड के बाद जो लोगों को इम्पैक्ट पड़ा, वैसा कुछ इम्पैक्ट इसकी पर्सनल लाइफ में पड़ रहा है, नॉट सिर्फ कोविड से, ओवरऑल। इसमें स्टार कास्ट का चयन कैसे किया गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट आपने लिया है, काफ़ी डिफरेंट है और महिलाओं को लेकर है, वुमेन्स पावर को लेकर है, तो इसमें स्टार कास्ट का किस तरह से आपने लगा कि कौन स्टार कास्ट इसके लिए परफेक्ट होंगे जो अभी इसमें कैरेक्टर को प्ले कर? देखो, इसके लिए कास्टिंग में ना बहुत फाइट आई थी, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर हैं ही वॉज वेरी चूजी कि मेरे को पर्टिकुलरली ये कास्ट चाहिए और ये कास्ट चाहिए। एंड हमने करीब 25-30 लोगों को एनालाइज़ किया, देन फाइनली हमने मनुकृति से बात किया, मनुकृति को स्क्रिप्ट भेजा, उसको पसंद आई, डायरेक्टर को मनुकृति का केमिस्ट्री समझ आया, डायरेक्टर और मनुकृति का। देन उसके बाद हमने आरफी को अप्रोच किया, देन सक्षम को अप्रोच किया। तो वन बाय वन, मतलब इसमें एक एक एक्टर अपने आप में दम रखता है, अपने आप में बोलता है। एंड आज तक की मैंने जितने भी कंटेंट बनाए, मैं कह सकता हूँ ये बेस्ट कास्ट है। हमने स्पेशल फेवर लिया मयूरेश वाडकर का, वो आके हमारे को कोरियोग्राफ कर रहे हैं इसमें। तो मेरे साथ में मेरी पार्टनर है पलक, पलक को थैंक यू बोलूँगा जिसने हमें सपोर्ट किया ये फिल्म बनाने के लिए। तो बस यही है। तो राहुल जी, कोविड है, काफ़ी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के चलते हुए जो आप फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, शूट की जा रही है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए और आपकी टीम के लिए? देखो, चैलेंजिंग तो है,
बिकॉज इसमें हमें एक रोड को शूट करना है, पूरा आउटडोर शूट है, और उसके लिए हमारे को परमिशन नहीं मिल रही आसानी से. सो वी आर गोइंग टू पालघर और वहाँ पे जाके हम शूट कर रहे हैं. आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ माई बिल्डर फ्रेंड और वहाँ जाके हम इसको शूट करने वाले हैं, बिकॉज मुंबई में पुलिस परमिशन और बहुत सारी चीज़ों का गाइडलाइंस है, और वो रात का शूट है तो जो कोविड के कारण थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा. टीम का कैसा माहौल है शूट्स के दौरान और कितना कुछ कोविड का भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड की थर्ड वेव का आना है, तो इस दौरान कितने ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वैक्सीनेशन हो लोगों के? नहीं, हमारी टीम में ऑलमोस्ट सब वैक्सीनेटेड हैं और हम लोग प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम शूट कर रहे हैं. इसी किस प्लेटफॉर्म पर आप रिलीज करेंगे आपकी इस ए फॉर अंतरा? देखो, कोशिश है कि अमेजोन, अभी अमेजोन ने एक विंडो ओपन की है वेयर ही इज़ बाइंग सम कंटेंट्स, अमेजोन मिनी टीवी. सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अमेजोन, देन मे बी हीरोज नाउ, हॉटस्टार, मतलब इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं, और 90% किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म आ जाएगी. क्या लगता है कब तक ये दर्शकों के बीच होगी या वेबसाइट? ये बाय द एंड ऑफ नवंबर. हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ मयूरेश वाडकर, ABC DID फेम, बहुत सारे रियलिटी शोज़, बहुत सारे स्टेज शोज़ एंड थिएटर, एंड ABCD मूवी में एज ए नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और मशीन मूवी की है बस मस्त सनसेट की, और स्माइल प्लीज मूवी. सो अब इस वेब फिल्म में किस तरह के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और कितने इस प्रोजेक्ट के लिए आपने हामी क्यों भरी? अच्छा, तो बेसिकली अंशुमन सर, फिर राहुल भाई, इन लोग के साथ मैं थिएटर करता हूँ और शॉर्ट फिल्म्स करता हूँ, और इन लोग के कोई कोई सीरीज़ होते हैं जहाँ पे कोरियोग्राफी करनी होती है, तो इस सीरीज़ में भी मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ. तो एक वहाँ पे डांस सेशन है, हेलोवीन नाइट है, जहाँ पे ये लोग एक सरप्राइज़ दे रहा है, मतलब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ दे रहा है, तो वो हेलोवीन नाइट को मैंने कोरियोग्राफी की है डांसिंग में. सो ये एक्टर्स को मैंने डांस सिखाया है, तो इतना ही पार्ट है मेरा इस वेब सीरीज़ में. जैसे कि बहुत सारे वेब सीरीज़ है, जैसे MX Player पे या फिर Amazon पे, तो कोई ना कोई वेब सीरीज़ में कोई ना कोई गाने आते हैं, आइटम सॉन्ग्स आते हैं, तो उसको मैं कोरियोग्राफ करता हूँ. सो इसमें एज अ कोरियोग्राफर मैं आया हूँ. लेकिन इतना ही अगर आप जुड़े हैं, इतने जुड़ के भी टीम के साथ कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज कैसे है ना कि आप किसी जगह पे बहुत सालों तक काम कर रहे हो पर अपनापन नहीं मिल पाता है. यहाँ पे मतलब जब से मैं थिएटर कर रहा हूँ ना, वो फर्स्ट डे से मुझे एज अ फैमिली महसूस होता है. सो बहुत ही मज़ा आता है काम करने के लिए, क्योंकि एक मतलब डायरेक्टर हो या फिर आर्टिस्ट हो, जितने भी कैरेक्टर्स है, वो एक इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक अ फैमिली एंड वेरी हैप्पी टू वर्क हियर. कोविड के पहले शूट और कोविड के बाद जो अब शूट किया जा रहा है, कितना डिफरेंस हो गया, कितना ज़्यादा आप लोग, आपको एक दूसरे के करीब आने के लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपको? सो बेसिकली पहले तो हम अच्छे खासे गले वले मिलते थे, हेलो हाय तालियां मारते थे, अभी तो दूर से ही ऐसे रहते हेलो हाय, तो बहुत सारे डिस्टेंस और एक दूसरे की केयर करने की बहुत ज़रूरत है. और हमारी वजह से, क्योंकि जितना भी हम काम करें, हमारी वजह से हमारी फैमिली को कुछ ना हो जब हम बैक होम जाते हैं. सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है और कम टीम के साथ काम करना पड़ता है. और हम लोग लिटरली सबको पूछते हैं कि वैक्सीन लिया नहीं लिया, क्या लिया, अच्छा तो लेके आओ पहले, उसके बाद आ जाओ, मास्क पहनो. तो जितना जब भी पास में रहते तो मास्क पहन के बात करो. जितने अपने लोग हैं देखो, दोनों ने सब वैक्सीन ले लिया है, दवाइयाँ ले रहे हैं, अच्छे से फ्रेश है, हाइजीनिक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना ख्याल में आने लग गई है. क्योंकि जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने भी हमारे घर वाले हैं, जितने भी क्लोज लोग हैं, उन्हें कुछ ना. अर्फी लांबा, मैं थिएटर एक्टर हूँ. थिएटर से मैंने शुरू किया था दिनेश ठाकुर जी के साथ, फिर मैंने फगली, प्राग, सिंग इज़ बिंग, इन सब फिल्मों में काम किया है, और एक जर्मन फिल्म की है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, टीवी सीरीज किए हैं. और जिस तरह से फिल्म, उसके बाद टीवी शो और काफ़ी कुछ के बाद आज ये आप जो फिल्म कर रहे हैं वेब फिल्म, इस फिल्म में किस तरह के कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हैं और क्या ये सबसे क्या डिफरेंट है इसमें? सो मतलब मैं बता दूंगा क्या डिफरेंट है तो स्पॉयलर हो जाएगा, बट रोमांटिक रोल है जो मैं करता हूँ, और प्लस अंशुमन के साथ कब से काम करना चाहता था मैं. सो वी फाउंड अ गुड स्क्रिप्ट, देन मनुकृति इज़ देयर, एक्टर्स आर वेरी गुड, सक्षम है, तो मुझे लगा एक अच्छा सेटअप है राहुल के साथ, एंड वी वर्क टुगेदर. और आपका कैरेक्टर क्या है इसमें जो आप किरदार को निभा रहे हैं? मैं इसमें रोमांटिक लीड हूँ, मैं और मनुकृति बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एंड इट्स अबाउट अ गर्ल्स जर्नी दैट आई थिंक आई शुड टॉक, क्योंकि वही फिल्म है, उनकी जर्नी जो है वो फिल्म है. एंड आई प्ले पिवोटल रोल इन बोथ हर ट्रामा एंड हर इन हर गोइंग आउट ऑफ ट्रामा बोथ. और
डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं और कोविड के आने के बाद डिजिटल ही ज़्यादा लोगों के बीच में OTT प्लेटफॉर्म और इस तरह से चीज़ों को जिस पर रिलीज़ किया जा रहा है? अब एक एक्टर्स के लिए काम बहुत बढ़ गया है, सो ऑल काइंड ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग वर्क नाउ. इट्स बिकमिंग डेमोक्रेटिक. सो अगर आप काम करना चाहते हो और आप अच्छे एक्टर हो तो आपको काम बहुत मिल रहा है अभी. सेकंड, वी ऑल डोंट नो, कोविड के कारण एकदम लोगों ने डिजिटल शुरू किया है. आगे क्या होगा पता नहीं. कल को ये कोविड हटेगा तो इफ़ द डिजिटल विल गो डाउन और पीपल विल गो बैक टू टेलीविजन या थिएटर्स खुलेंगे या नहीं. होपफुली थिएटर खुलने चाहिए. सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट. एज ऑफ नाउ बहुत काम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एक्टर्स. ए फॉर अंतरा जिस तरह से इस वेब फिल्म का नाम है, तो अंतरा मीन्स एक सॉन्ग भी जो हमें सुन पा रहे हैं और आप इसमें रोमांटिक सीन भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है और क्या ए अंतरा क्या मतलब इससे अगर कुछ बताएं आप क्या कनेक्टेड होता है? मतलब मैं भी मजाक में वही छेड़ता हूँ कि अंतरा का मुखड़ा कैसा है. बट ये इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म. इट्स अबाउट रियल फ्रेंडशिप. ये दोनों जो है ये शुरू में दोस्त हैं और वो दोस्ती के बाद वाला जो प्यार होता है ना, जिसमें आप तू तड़ाक से बात करते हो, कुत्ते बोल देते हो एक दूसरे को, बिकॉज यू बीन फ्रेंड्स. इट्स नॉट लाइक वो शर्मो शर्मी शर्मा के आँख मटक्का करके प्यार नहीं हुआ है. ये दोस्त थे, दोस्ती टर्न इन टू यार. मतलब क्या चल रहा है, हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं प्यार में. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन दैट आई हैव नॉट प्लेड टिल नाउ. और वो चलता है ना, एक रील चलती है जिसमें वो कॉल करके अपने हस्बैंड को बोलती है कुत्ते कहाँ है, कभी नहीं कहा. सडनली सासू माँ आती तो बोलती है कहाँ हैं जी आप. दिस इज दैट इक्वेशन, यू नो, वेर यू इन पर्सनली यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट लोगों के सामने अलग हो. बाकी अंतरा की कहानी है तो ए फॉर अंतरा है एंड आई थिंक इस वुमेन एम्पावरमेंट इशू को बहुत अच्छे से टैकल किया हुआ है इसमें अगेंस्ट पैट्रियार्की. फिल्म में आई है प्यार से जुड़ी हुई, तो फिल्मों को काफ़ी प्यार मिला है, क्या लग रहा है इस वेब फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिलेगा जिस तरह से आप इसकी अभी स्टोरी थोड़ी सी हमें बताई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. हम अच्छा काम करेंगे, फिल्म अच्छी बनाएंगे, बाकी तो दर्शकों के ऊपर है. हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे. पता नहीं क्या क्लिक करता है क्या क्लिक नहीं करता है. टाइम्स आर वेरी डिफरेंट, यू नो, सडनली समथिंग बिकम्स वायरल. और कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम है जो वो बस वो उस क्लिक के सरफेस से बच जाते हैं जहाँ से आप वायरल होते हैं. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वायरल होना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं तो. वेब फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कितना सपोर्ट है, उनके साथ कितना अच्छे से एज ऑन लोकेशन शूट कर कंपनी में शूट कर. सो मैं राहुल के साथ तो पहली बार काम कर रहा हूँ. अंशुमन को मैं जानता हूँ जो डायरेक्टर हैं एंड आई फील वेरी हैप्पी. मैं राहुल से एक बार मिला तो मुझे लगा कि यहाँ सब सेट है, मैं यहाँ कर लूँगा बहुत आराम से खुशी से. और अंशुमन और मैं तो काफ़ी देर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हो रहा है. आगे और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट और क्या चल रही है? बहुत सारी, क्योंकि मार्केट अभी खुली है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. मैं दो फिल्में कम्प्लीट कर चुका हूँ, शॉर्ट फिल्म जो आने वाली हैं, और भी फीचर्स की बात चल रही है और एक सीरीज़ की बात चल रही है. बट हो जाने दीजिए, यू नो, आई एम वेरी वो सुपरस्टिशियस. बोल देते हैं तो होता नहीं है वो काम कभी नहीं होता है. सो अभी बातें हो रही हैं, देखते हैं क्या फाइनली मटेरियलाइज होता है. आपने वैक्सीन ले ली? डबल वैक्सीनेटेड, नहीं तो मैं सेट पे आके बिना मास्क के बैठता ही नहीं डर के मारे. मैं बेसिकली अपना पूरा टेक्निकल एंड से बैक एंड से पूरा मैं सपोर्ट में हूँ और दूसरा पोस्ट प्रोडक्शन पूरा मेरे अंडर आता है. तो बेसिकली मैं यहाँ पर अभी सुपरवाइज भी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें अभी क्या है कि प्रोडक्शन अगर अपना बेटर है तभी अपना पोस्ट प्रोडक्शन बेटर होगा. तो वो पूरा एक टाइमलाइन पूरा कैसे उसको देखना है कि बाद में दिक्कत ना आए और सारी चीज़ें ऑन टाइम ऑन विद द प्रॉपर वर्क फ्लो वो हो जाए. तो वो सब चीज़ें फ़िलहाल मैं इतने लेवल पर ही देख रहा हूँ. बाकी हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो ऑलराउंडर हैं, जो अंशुमन जी हैं उन्होंने भी काफ़ी फिल्में किए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो देखेंगे. तो कोविड भी है, कोविड के दौरान कितनी बातों का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है शूट करने में? कोविड के लिए तो ऐसा है कि अभी बहुत प्रिकॉशंस लिए गए हैं, सब टेस्टेड हैं, सबका रिपोर्ट है, सब वैक्सीनेटेड है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्रू अपना फुली वैक्सीनेटेड है, बाकी सबके रिपोर्ट्स भी हमारे पास. और दिक्कत क्या है कि अपने पास अभी टैलेंट्स नहीं है, क्योंकि आधे टैलेंट्स हमारे जो है इधर उधर सब कोविड के चक्कर में, कोई होम टाउन चला गया है, कोई कहीं है. तो डिफ़िकल्टीज़ तो हैं बट शो मस्ट गो ऑन, शूट करना है अभी. प्रोड्यूसर का कितना सपोर्ट हो रहा है हर चीज़ों में, क्योंकि प्रोड्यूसर देखो ये राहुल जी का ऐसा है कि उनका ऐसा सपोर्ट मिलता है और कोई इतना सपोर्ट दे नहीं पाएगा प्रोड्यूसर. वो बिल्कुल एज अ फैमिली वर्क करते हैं, कि क्रिएटिव ब्लॉक भी अगर कहीं आ रहा है तो वो फिर बीच में नहीं आते हैं. मतलब कि जैसे फुली सपोर्टेड हैं वो, ऐसा
कोई कभी नहीं लगता कि एज अ प्रोड्यूसर वो किसी चीज़ के अंदर, जैसे आपका क्रिएटिव ब्लॉक कोई आ रहा हो तो वो आने नहीं देते, वो हमेशा रिजॉल्व के